अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है, मैं पाकिस्तान कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस वक्त न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में रहता हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे एक अंकल, उन्होंने मुझको लाहौर भेजा। पाकिस्तान का एक सिटी है लाहौर, मुझे बोला उन्होंने कि तुम वहाँ जाओ। तो मैं वहाँ गया। पहले तो ये था कि वो बोलते थे तुम में आर्ट है, तुम आर्टिस्ट हो, तुम अपने आप को बताओ कि तुम आर्ट करते हो, तुम्हारे अंदर गॉड गिफ्टेड है। मेरा ये स्कल्पचर है और इसके पीछे वो एक बहुत बड़ी वजह है। मेरे चाचू मसूद खान जो एक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी को बॉर्न किया और हमेशा उन्होंने मुझको बताया तुम थोड़ा अपने आप को पुश करो। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बताया ज़बरदस्त ड्राइंग करते हैं वो और दुनिया जानती है उनको। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम लाहौर जाओ, तुम सीखोगे वहाँ से। मैं सोचता था कि अगर मैं लाहौर जाके मैं क्या सीखूँगा, चाचू मैं आपके पास सीखूँगा। तो चाचू ने बोला नहीं आप लाहौर जाओ। उधर मैं कुछ नहीं सीखा, उधर मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। उसके बाद जब मैं वापस कराची आया, अपने सिटी में आया मैं, तो मुझको पता लगा कि ये आर्ट है। चाचू ने मुझे, मसूद खान ने मुझे सही जगह भेजा, वहाँ से मैं बहुत कुछ सीख कर आया। उसके बाद फिर मैं आर्ट करने लगी, स्कल्पचर्स करा, मदर चाइल्ड के ऊपर काम किया, लोनली गर्ल के ऊपर काम किया और आते थे और बताते थे मुझको। मैं इसलिए अपने मसूद खान को प्रमोट कर रहा हूँ, उसको उनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो ज़िंदगी का एक सुकून होता है ना, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे चलाना सिखाया कि देखो ये तुम में एक क्रिएटिविटी है, तुम्हें कुछ अलग से, मैंने काम किया इसको पहले से वो ढूंढ के बैठे हुए थे मेरे अंदर और मैं उस चीज़ समझ नहीं पा रहा था, बट उन्होंने मुझे समझाया, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया तुम में आर्ट है। तो अभी जो कर रहा हूँ मैं, आर्ट कर रहा हूँ, मैंने वुड कार्विंग किया और सिम्बॉलिक काम किया और क्रिएटिविटी करता रहता हूँ। और दूसरा मुझे वुड पे बड़ा मज़ा आता है, मैं वुड पे जो काम करता हूँ मैं इंजॉय करता हूँ उसके ऊपर। और प्लस मैं अभी सेल्बन कॉलेज में नेक्स्ट ईयर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उधर मैं क्लासेस लूँगा अपनी, थोड़ा लर्न करूँगा, मुझे पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो मेरे जो मसूद खान है वो मुझे पहले से ही बोलते आते थे तुम क्लासेस लो, आगे बढ़ो, तुम सीखो दुनिया में क्या हो रहा है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं न्यूजीलैंड के अंदर, मैं वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ, बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के काम किए होते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मेरी ज़िंदगी के अंदर एक सुकून है कि मैं आर्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है ये दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है, इतनी तेज़ है कि आप उसको रोक नहीं सकते ना आप उसको पकड़ सकते हो, बट उससे क्या है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ के अंदर, मुझे सुकून है मेरी लाइफ में। प्लस मेरी जो वाइफ है वो एक सपोर्टर है, मुझे सपोर्ट करती है इस चीज़ के अंदर, आगे लेके चलती है। वन ऑफ माई ब्रदर फहीम खान ही सपोर्ट मी टू, और मैं आगे कुछ अलग सा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, कि इसी न्यूजीलैंड में मैं लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि मैं कुछ अलग सा करूँ। जो माओरी आर्ट है मैं लाइक करता हूँ, बहुत अच्छा करते हैं काम, बट मैं मिक्स मीडियम में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ कि कुछ करूँ। एक जगह नहीं टिकना मुझको, मैं कहीं किसी और सोच के लिए बना हूँ। मैं अपने अंदर ये सोचता हूँ कि मैं किसी और सोच के लिए बना हूँ, बॉर्न हुआ हूँ। मसूद खान ने मुझको गाइड किया था इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने मुझको मेरी आंखें खोली और उन्होंने मुझे बताया कि अरसलान तुम कहाँ हो, तुम आर्टिस्ट हो, तुम में आर्ट है। तो उस चीज़ से वो बहुत अच्छी, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आगे लेके चले, खुशियाँ दे, वो सारी चीज़ें हैं। बट आर्ट का एक अपना ही मज़ा है, एक सुकून है, थोड़ा क्रिएटिव सा काम करना है इसके अंदर तो फिर मज़ा आएगा, कुछ अलग सा करना है जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा हो, सिर्फ वो मोहम्मद अरसलान खान कर रहा हो, तो उसमें फिर मज़ा अलग है। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आर्ट का शौक है, जिनका पैशन है, उसको जारी रखें, अल्लाह ताला उनको उनके काम में कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।